इस वक्त हम छपरा के मुबारकपुर पंचायत में हैं। यहाँ पे अमितेश सिंह, राहुल और आलोक की पिटाई की गई थी, जिसमें से अमितेश सिंह की मौत हो गई है। आलोक और राहुल जो हैं वो पटना के रूबन हॉस्पिटल में हैं, काफी सीरियस हैं, वेंटिलेटर पे हैं, उनका इलाज चल रहा है। आरोप है कि ये लोग इस गांव के जो मुखिया प्रतिनिधि हैं उनके फार्म हाउस से जबरन मुर्गा लेके जा रहे थे, तो उनको रोकने की कोशिश की तो इन लोगों ने फायरिंग की, जिसके बाद इनकी पिटाई कर दी गई। वैसे पूरा मामला जो है वो पुलिस उसमें जांच कर रही है, पुलिस जांच में ही पता चलेगा कि सच क्या है। वैसे अमितेश सिंह के पिता हमारे साथ हैं, अमितेश सिंह की मौत हो गई है तो उनके पहले आपको हम तस्वीर दिखा दें। ये देखिए, यही वो अमितेश सिंह है, पिता हाथ में मोबाइल लेके तस्वीर दिखा रहे हैं। पिटाई से इनकी मौत हुई है, जो दो अन्य हैं वो पटना में एक अस्पताल में भर्ती हैं। पहले आपको हम अमितेश सिंह की तस्वीर दिखा रहे हैं, काफी युवा थे, 35 साल इनका उम्र था। पिटाई से इनकी मौत हो गई है। खेत में लोग पटवन का काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है ये लोग, ऐसा कहना है, ऐसा आरोप लग रहा है कि जबरन एक मुर्गा फार्म से मुर्गा लेकर जा रहे थे, उनको रोका गया तो उन्होंने फायरिंग की, तो बदले में इनकी पिटाई की गई है। वो मुर्गा फार्म जो है यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि का बताया जा रहा है, आरती देवी मुखिया है, उनके पति ही जो है प्रतिनिधि है, जिनका नाम विजय यादव है। पूरे मामले पर हम बात करेंगे। आपके लड़के का निधन हो गया है, कैसे पूरी घटना हुई है? हमारे लड़के की मृत्यु जो है वह पटवन करने के लिए गया था, गेहूं की पटवन करने के लिए गया और खेत पटा रहा था, और उसके साथ राहुल और आलोक साथे वो लेकर मोटरसाइकिल से गया था, और वो पटवन जब कुछ बाकी थी उसी समय वो सब आ गया। आने के बाद वो पकड़ के आ तीनों को लेकर चला गया, हमारा मोटरसाइकिल से बचा हमारा गया था, और उसके बाद भीतर कर दिया सब मुर्गी फार्म में बंद कर दिया। अब उसके बाद समझिए कि अब पुलिस प्रशासन उसी समय पहुंच गई, थाना की जो है पुलिस पहुंची, लेकिन वहां जो है पुलिस को खदेड़ दिया गया और उसमें बच्चों को पूरा मारा गया, हथौड़ा से, रॉड से, लाठी से, जैसे हो वैसे मारा गया, हमारा बच्चा उसी में मर गया। अच्छा, तो आपका वो लोग आरोप लगा रहा है कि वो लोग जबरदस्ती मुर्गा फार्म से जबरन मुर्गा लेकर जा रहा था, रोकने पे फायरिंग कराया, फायरिंग की आपके लड़का और इन दोनों ने, तो उसको बदले में मारा गया। ठीक है, तो मुर्गा वहाँ देखा जाए कि मुर्गा है, उस फार्म में मुर्गा है, और इन सबों का कोई अस्त्र है वहाँ? आपको लगता है जो आरोप लगाए जा रहे हैं झूठे हैं, निराधार? मैंने वो आप देखिए, हम कह रहे हैं आप जा रहे हैं वहाँ जाकर पता कीजिए कि उसमें मुर्गा है। अच्छा, तो आपके बेटे को खेत में से क्यों लेगा? पहले से कोई दुश्मनी थी, चुनावी रंजिश था? नहीं, जैसे खेत बच्चा हमारा पटा रहा था तो जब लड़के थे उसमें हुआ कि चले के मुर्गा एगो लिया खाई जाइए अपन, लेकिन उसमें जो है वहाँ कुछ नहीं हुआ, उसको पकड़ लिया गया, आप पकड़ के आई इसको भीतर कर दिया गया, बेवजह उसको पकड़ लिया। हाँ, बिना किसी कारण के लाठी डंडे से पीटा? उससे नहीं थी हमको, ना हमारे बच्चे से थी ना कुछ, लेकिन वह जो है मैंने हम क्या कहें, मैंने वो कौन दुश्मनी हमारा था कि ऐसा किया है, और राजपूत समझ के कि काठी समझ के यहाँ BDC को मारा है, उप मुखिया को मारा है, वार्ड को मारा है। अब वो जो मुखिया है उनका क्या नाम है? मुखिया है वो आरती देवी है, पति उनके प्रतिनिधि हैं। हाँ, उनका क्या नाम है? विजय यादव। अच्छा। और वह सब को पीटा है। अच्छा। वो लोग तो दबंग नहीं है, न केस किया न कुछ भी किया, अब उसके एवज में हमारे बेटा को लोग पकड़ कर ले गया, और उसका मन बढ़ता गया, मार मैंने, सर आप देखिएगा तो आपको मैंने मन पिघल जाएगा, क्या कहें? आप ये कह रहे हैं कि राजपूत थे इसलिए पिटाई, में क्या जातिवादी की जातिवाद का वर्चस्व चल रहा है? जातिवाद की बात नहीं, वो लोग आई रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन सब वहाँ जुट गया था, एक वोट गया था, और बाप उसमें जो है नाम सुना जाए, आरती देवी, विजय यादव, अजय यादव, जटुल यादव, उसके बाद क्या कहा जाता है, अरे वहाँ 500 लोग था। हाँ, वो छोड़ा ना, असली जॉन पीटले बाण सतावना के कहा था, जोगिंदर यादव, छठू यादव, ये सब साले जो थे उसमें जुटे। अपने FIR दर्ज कराया है 8 लोगों के खिलाफ। हाँ, मैंने हम 5-6 आदमी का नाम यथी किए हैं, लेकिन
बाद में उसमें मालूम हुआ कहते से फोटो के वजह से वीडियो आ रहा है, उसमें हम देखे बाप रे बाप ये मर रहा है। अच्छा तो देखिए, ये मृतक के पिता है अमितेश सिंह के पिता है, उनका कहना है कि हमारा बेटा और साथ में जो दो लड़के थे वो लोग जबरन मुर्गा लेके मुर्गा फार्म से नहीं जा रहे थे, ये सब बात बेकार की है। सो ये लोग खेत में पटवन का काम कर रहे थे। मुखिया प्रतिनिधि विजय यादव अपने लोगों के साथ आए, मेरे बेटे और वो दो अन्य दो लड़कों को ले गए और जमकर पिटा, जिसमें मेरे बेटे की मौत हुई है। छपरा के मुबारकपुर गांव में हम हैं। यहां पे तनाव हर तरफ है, पूरे गांव में तनावपूर्ण माहौल है। देखिए यहां पे एक ट्रक है जिसको आग के हवाले किया गया है, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। तीन लोगों की पिटाई की गई थी, उसके बाद से यहाँ पर हालात बेकाबू हो रहे थे। पुलिस प्रशासन ने हालात को नियंत्रण में करने की कोशिश की लेकिन उतनी सफलता नहीं मिली। यहाँ पर देखिए पुलिस अग्निशमन सेवा की टीम मौजूद है, ट्रक में आग लगाई गई है, पानी मारकर बकायदा उसको बुझाने की कोशिश जो है यहाँ पर अग्निशमन की जो टीम है उसके द्वारा की जा रही है। ट्रक को फूंका गया क्योंकि लोगों में बहुत आक्रोश है। तीन लड़कों की पिटाई की गई है जिसमें से एक की मौत हो गई है। जिन लोगों पर पिटाई का आरोप है वो लोग गांव से फरार हैं। तो जो पीड़ित लोग हैं वो लोग अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर आगजनी करके, तोड़फोड़ करके। तो ट्रक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अग्निशमन सेवा की टीम यहाँ पे लगी हुई है और ट्रक पे जो आग लगाया गया है ट्रक में उसको बुझाने की कोशिश जो है यहाँ पर की जा रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक एक किस तरह ट्रक में तोड़फोड़ की गई है, फिर उसमें आग भी लगाया गया है। आगे का तस्वीर देखिए, पूरा शीशा टूटा पड़ा है, आगे का पोर्शन पूरा ट्रक का जो है वो जल चुका है। पूरा पहले तोड़फोड़ की गई है फिर इसमें आगजनी की गई है, लेकिन टीम मौजूद है और कोशिश यही है कि जो आग लगी है उस पर काबू पाया जा सके। मुबारकपुर में हम हैं, छपरा में ये जगह है। आरोप लग रहा है कि यहाँ की जो मुखिया हैं आरती देवी, उनके पति विजय यादव उनके प्रतिनिधि हैं, उन्होंने तीन युवकों की पिटाई की है जिसमें से एक की मौत हो गई है। तो जो पीड़ित के परिजन हैं वो काफी गुस्से में हैं और उन लोग पर आरोप लग रहा है कि उन लोगों ने मुखिया प्रतिनिधि के इलाके में आके तोड़फोड़ की है। तो एक जगह तो ट्रक में आग लगाई गई थी जहां पर उसमें पानी डाला जा रहा है, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। यहां देखिए ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में भी आग लगाई गई है, ट्रैक्टर को भी आग के हवाले किया गया। पीछे का पोर्शन पूरा जल चुका है, नीचे पूरा राख आपको नजर आएगा। ये ट्रैक्टर है, यहाँ पे इसे खेती जो है यहाँ पे की जाती है लेकिन इसको पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया है। ये जलकर बुरी तरह राख हो चुकी है, बकायदा आप टायर भी देखिए, टायर भी जो है ये इसका जल चुका है। ये मुखिया प्रतिनिधि के इलाके में हम हैं और वहीं की तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रैक्टर अब किसी काम का नहीं है, पूरी तरह ये क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये तस्वीरें कैमरा पर्सन विशाल राय आपको छपरा के मुबारकपुर से दिखा रहे हैं। छपरा के मुबारकपुर में हम मुखिया प्रतिनिधि जो विजय यादव हैं उनके इलाके में हैं। यहाँ पे पुलिस भारी संख्या में तैनात है क्योंकि जो पीड़ित हैं उनके परिजन बहुत गुस्से में हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर उन्होंने ट्रक में ट्रैक्टर में आगजनी की है, तोड़फोड़ की है, इसलिए पुलिस को यहाँ पे तैनात किया गया। भारी संख्या में पुलिस बल है, पुलिस प्रशासन की यही कोशिश है कि कोई बड़ी घटना न यहाँ पर न घट जाए। इसलिए देखिए पुलिस की पूरी टीम जो है यहाँ पे लगातार कैंप कर रही है, पूरे रात भर पुलिस की टीम जो है यहाँ पे कैंप करेगी हथियार डंडे के साथ। पुलिस के जवान जो है यहाँ पर मौजूद हैं, कोशिश यही है कि ये जो घटना है और बड़ी ना हो। पहले हम जो सुरक्षाकर्मी यहाँ पे तैनात हैं उनकी तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं। महिला पुलिस के साथ जो पुरुष हैं पुलिस वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, हथियार भी उनके पास है। डर इस बात का है कि कहीं फिर से पहले की तरह जो घटना है वो ना हो जाए, इसलिए प्रशासन पुलिस पूरी तरह अलर्ट मूड में है। कुछ ग्रामीण बच्चे हैं। अच्छा बाबू, क्या पीड़ित के परिजन लोग यहाँ पे आके हमला किए हैं? जी सर। क्या हुआ था बताना सर? जैसे कि उधर से आया लोग और जैसे कि वहाँ पर ट्रक को जला दिया, जैसे कि 3-5-10-15 तक तो फायर किया था और 3 ब्लास्ट किया था, जिसमें से उन लोगों का नाम है, एक चुनचुन सिंह है, नीरज सिंह है और जयबंधु सिंह है और आदमी है लोग सर। अच्छा, और ट्रैक्टर में भी पीड़ित के परिजनों ने आग लगाया है? जी सर, वही लोग लगाया है, राजपूत लोग। अच्छा, क्या क्या और फायरिंग भी की गई है? फायरिंग भी सर की गई है, 6-10-15 ठो। अच्छा, कितने लोग थे उधर से? सर लोग थे कम से कम 80-90 था लोग। 80-90 हाँ। मुखिया प्रतिनिधि विजय यादव पे आरोप है कि उन्होंने 3 लड़कों की पिटाई करवाई जिसमें से एक की मौत हो गई। तो जो पीड़ित है उनके परिजनों ने आकर तोड़फोड़ की, आरोप लगाया जा रहा है। इस वक्त हम मुखिया प्रतिनिधि के घर में हैं। देखिए उनके घर में यहाँ पे पीड़ित के परिजन आए हैं, आरोप लगाया जा रहा है और तोड़फोड़ की गई है। कुर्सियां टूटी पड़ी है, बेड नीचे बिखरा पड़ा है, सबसे ज्यादा कुर्सियां यहाँ पर बिखरी पड़ी है, कई कागजात है नीचे, कार्ड है जमीन पर गिरे हुए हैं। अब वो ये मुखिया प्रतिनिधि का घर बताया जा रहा है। यहाँ देखिए जो वायर है उसको तोड़ दिया गया, यहाँ पे स्विच बोर्ड था, इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड, उसको तोड़ा गया है।
अनाज की बोरियां हैं वो भी जमीन पर बिखरी पड़ी हैं। अंदर की भी जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर भी जो है तोड़फोड़ जो है यहाँ पे की गई है। देखिए अंदर आग लगाया गया है, यहाँ पे बकायदा प्रसाद बन रहा था, बूंदिया इसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी आग लगाई गई है, चौकी में आग लगाई गई है, कमरे में पूरी तरह से तोड़फोड़ की गई है। तस्वीरें जो है हम आपको मुखिया प्रतिनिधि के घर की यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। ये अंदर की तस्वीर है, यहाँ पर हर चीज जो है वो बिखरा पड़ा है, फ्रीज गिरा पड़ा है। देखिए अंदर थोड़ा सा आपको हम दिखाएंगे, विशाल राय कैमरा पर्सन से कहेंगे आपको तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पे देखिए फ्रिज जो है वो भी नीचे गिरा हुआ है, उसको भी आग लगाने की कोशिश की गई है। तो घर के अंदर जमकर तोड़फोड़ हुई है। आपको हम दूसरे कमरे की भी तस्वीर दिखा देते हैं। सभी कमरे का लगभग यही हाल जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। अंदर जो तस्वीरें हैं, अंदर के कमरे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। करीब 200-300 की संख्या में लोग आए थे, ऐसा ग्रामीण कर रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि जो पीड़ित पक्ष है उनके तरफ से 200-300 की संख्या में लोग आए थे और यहाँ पे तोड़फोड़ किए हैं। तो तस्वीर जो है अंदर की हम आपको दिखा रहे हैं। मुबारकपुर पंचायत की मुखिया आरती देवी हैं, उनके पति ही प्रतिनिधि हैं विजय यादव, जिन पर आरोप लगा है कि 3 लड़कों की उन्होंने पिटाई की है। इस वक्त हम विजय यादव के घर पे मौजूद हैं, लेकिन घर में कोई मौजूद नहीं है, ताला भी लगा हुआ है। यहाँ पे एकदम शांति है, क्योंकि जो पीड़ित है उनके परिजन गांव में आकर तोड़फोड़ किए थे, अगजनी किए थे, इसलिए इस घर से लोग कहीं सुरक्षित जगह पर चले गए हैं, क्योंकि जान को खतरा है। यहाँ पे लॉक भी अंदर से लगा हुआ है और यही वो घर है विजय यादव का, जिन पे ये आरोप लग रहा है। लेकिन तस्वीर जो है इस गांव में बड़े भयावह है, हर तरफ अगजनी की गई है, घरों में भी आग लगाई गई है, ट्रक ट्रैक्टर में भी आग लगाई गई है, बाइक में भी, साइकिल में भी। यहाँ देखिए बाहर जो बच्चों का साइकिल है वो गिरा पड़ा है। तो जो परिजन लोग हैं, आरोप लग रहा है कि जो पीड़ित के परिजन लोग हैं वो लोग यहाँ तक आकर बवाल काटे हैं। तो तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं। सदर डीएसपी छपरा के हमारे साथ हैं एमपी सिंह। सर, इतनी बड़ी यहाँ पे घटना हो गई है, 3 लोगों की पिटाई हुई जिसमें से एक की मौत हो गई। अब जो गांव के लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो पीड़ित के परिजन हैं इस गांव में आकर तोड़फोड़ किए हैं, अगजनी किए हैं, मुखिया प्रतिनिधि पर आरोप है कुछ नहीं पिटाई की थी। नहीं नहीं, ऐसी 2 तारीख घटना हुई थी, 3 लोगों के मुखिया जो अपने पोल्ट्री फार्म किए थे उसमें एक की मृत्यु हो गई थी। स्थिति कल तक बहुत सामान्य थी और आज भी सवेरे ठीक थी। एकाएक 1500-600 भीड़ एकाएक मोटरसाइकिल से आए और इस तरह की घटना कर दी। अभी स्थिति सामान्य है, हम लोग कैंप कर रहे हैं। अच्छा, 3 लोगों की पिटाई हुई है जिसमें से एक की मौत हो गई है, तो जो पीड़ित के परिजन है वो लोग कह रहे हैं कि मुखिया प्रतिनिधि विजय यादव है, उन्होंने उनकी पिटाई करवाई है। ये तो पिटाई करवाई है, वही मुख्य अभियुक्त वही है। अच्छा, मुखिया प्रतिनिधि विजय यादव ही मुखिया के पति है। हाँ, मुखिया प्रतिनिधि वही, उसका पति भी है। पति भी है, विजय यादव वही मुख्य अभियुक्त है। मुख्य अभियुक्त है। तो क्या गिरफ्तारी उसकी हुई है या फरार है? गिरफ्तारी हुई है, एक उसमें 5 नेम्ड थे, इसमें एक की गिरफ्तारी हुई है, 2 और अपराधी की गिरफ्तारी हुई है और शेष की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। ये जो मुखिया प्रतिनिधि है विजय यादव, जो मुख्य अभियुक्त है, ये अभी फरार है? हाँ, ये अभी फरार है। ये अभी फरार है। हाँ। लेकिन गांव में तनावपूर्ण माहौल दिख रहा है, तो क्या आप लोग का कैंप यहाँ पे दिन भर जारी रहेगा? हाँ, दिन भर, अभी भी रात भर रहेगा। हाँ, पॉइंट जगह जगह पर जहाँ भी जरूरत है वहाँ पर फोर्स लगाया गया और हम लोग कैंप कर रहे हैं यहीं पर। अभी एक FIR दर्ज हुआ इसमें? हाँ, हो रहा है, FIR कार्रवाई हो चल रही है और 5 से 6 लोगों को जो है आरोपी बनाया गया है। अब ना ऐसे नहीं, जो भी आरोपी है उसमें पता लगा तो उसको चिन्हित कर किया। अच्छा, जाएगा। अभी क्या आपको लग रहा है कि हालात नियंत्रण में, क्योंकि अगजनी जबरदस्त इस गांव में की गई है? हाँ, अगजनी तो हुई है और अभी ठीक है, सामान्य स्थिति है। और जो मुखिया प्रतिनिधि के आसपास के पड़ोसी के लोग, हम लोग कह रहे हैं कि पीड़ित के परिजनों ने आकर आग लगाई है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पीड़ित के परिजन नहीं इसमें आग लगाई। आग किसने लगाई फिर इस गांव में? ना कि बाहर से लोग, जैसे वाले बलिया से आए, दाउदपुर से आए और दरौंदा से, ये सब आए मोटरसाइकिल से। अच्छा, यंग ब्लड लड़के लोग, मतलब ये जो घटना हुई है उसी के आक्रोश में? यहाँ आक्रोश में यंग ब्लड लोग आए मोटरसाइकिल से, न कि वो गांव में आए, गांव के उसके बाद फिर कार्रवाई कर दिए। छपरा के माझी थाना क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 3 युवकों को मुर्गी फार्म में बेरहमी से पीटा जा रहा है, उसमें से एक की मौत हो गई है और जो 2 हैं उनको पटना रेफर किया गया है। इस वक्त हम पटना में रूबन हॉस्पिटल के आगे खड़े हैं, ये पटना का रूबन हॉस्पिटल है। जो 2 लड़के गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, काफी सीरियस है वो, जहां उनका इलाज चल रहा है। जो 2 लड़के हैं उनके परिजन हमारे साथ हैं। बताया जा रहा है कि जो 3 लड़के थे जिनकी पिटाई की गई है, 3 आपस में रिश्तेदार थे। पहले हम उनके परिजन हमारे साथ हैं जो यहाँ भर्ती हैं। ये बताइए, जो 3 लड़के हैं की मौत हो गई और 2 लड़के जो अंदर भर्ती हैं, क्या नाम है उनका? जो अभी भर्ती है वेंटिलेशन पर लड़का है, उसका नाम रोहित कुमार सिंह है, राहुल कुमार सिंह,
और असल में थोड़ा सा और दूसरे का क्या नाम है? और दूसरे का आलू कुमार सिंह नाम है। इसकी मौत हुई उसका क्या नाम है? उसका अमितेश कुमार सिंह नाम है। तीनों आपस में रिश्तेदार हैं? मैंने एक हम लोग परिवार के लोग हैं, तो कुछ भी कहने में थोड़ा सा सेंटिमेंट उभर कर आ जाता है कि चूंकि हम मैंने इतना हम लोग गाँव में एक रूपता बनाकर हम लोग रहते हैं, सब जात मिलाकर सब सारे लोग मिलाकर हम लोग मैंने इतना शालीनता से रहे हैं, हम लोग कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे कि ऐसा अमानवीय घटना हमारे गांव में और हम लोग के परिवार के साथ हो जाए। क्योंकि जो सब जो मारा है हमारे पिताजी का विद्यार्थी रहा है। तो क्यों पिटा गया तीनों को? मुर्गी फार्म में तीनों को बंद करके क्यों पिटा गया? तो ये पिटा सब ये लोग पटौनी करने के लिए गया था खेत में पटवन के लिए गया था, और पटौनी करने के लिए गया और वहाँ वो लोग पटौनी कर रहा था, तो मेरा भतीजा आलोक कुमार वो गया वहाँ पूछने के लिए कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं मुर्गी के मैंने ले लेंगे और लेकर और हम लोग जाकर मैंने घर पर खाएंगे चूंकि इतना मेहनत हो गया है। तो गया तो उचाल किया कि के बा तो मुखिया उसमें से निकला, बोला कि हाँ का बताओ आ तो देखन हम के खेत पटौता नहीं सर कि जाए के बेरा मुर्गी एगो मैंने पैसा से लेके आप जाए आदमी आप पार्टी मैंने वो जनिया खान मैंने मुर्गी खान सर। तो बोला कि आप लोग कितने आदमी हैं? तो ना दू गो अमितेश भैया हैं और वहाँ राहुल है रोहित। तो कहा कि ठीक बा तू यही जा बैठो हम को बुला के। क्या उन पे आरोप लग रहा है कि लोग मुखिया प्रतिनिधि पर गोली चलाए थे उसी का बदला लिया गया पीट कर, क्या ये बात सही है? नहीं नहीं, गोली उस समय उस सबको बंद कर गोली चलाया था, वही लोग चलाया इसको बंद करके आ फायरिंग किया, फायरिंग कर अपने लोगों को बुलाया जब इसको बंद किया था तब की गोली की बात है। मैंने आपका ये कहना है कि जो तीनों लड़के हैं जिनकी पिटाई की गई ये लोग मुखिया प्रतिनिधि पर गोली नहीं चलाए थे? नहीं नहीं, बाप रे बाप, सवाल ही नहीं है। जो वीकनेस है लड़का उससे सब बात अभी चूंकि वहाँ अभी थोड़ी होश में आया है वो बता रहा है स्थिति, तो मैंने बात बोला तो जब मतलब कि आपका ये कहना है कि ये लोग निर्दोष हैं, ये लोग खेत में पटवन कर रहे थे। सुनिए आपका कहना है कि लोग खेत में पटवन कर रहे थे, मुर्गी फार्म में गए तो मुखिया के लोगों ने इनको बंदी बना लिया और तीनों की पिटाई की है। पहले वो ये आपका कहना है, एक लड़का गया था मुर्गी खरीदने तो वो बोला कि तू लोग कितना आदमी है? तो वो बोला कि दो आदमी है जो खेतों पटवा रहा है। तो यही पर आप बैठिए हम लोग बुला कर लाते हैं। अब बुला कर लाया और उसी को उसी में बंद कर दिया। अच्छा, अब बंद करके दो को फायरिंग किया मैंने कि इन लोग ने कोई फायरिंग नहीं किया? ना 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 ना, अब फोन करके बुलाने लगा लोगों को तो ये बोला कि भाई का तू करता रह मैंने ऐसे ऐसे मैंने का ही हो रहा बा आ तो रे तू क्या मैंने अपन बैठो तो बुला कर और इसम मारना शुरू कर दिया। इसम मारना शुरू कर दिया और उसको पूरा 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 पीटा। इस मामले में अभी उन लोग के रिश्तेदार है, हमारे ये भाई है जो अंदर भर्ती है उसमें का एक भाई, जिसका एक भाई बाहर खड़ा है, आपका क्या नाम है? पीयूष कुमार सिंह। जो भर्ती है वो राहुल कुमार सिंह, जो राहुल और आलोक अंदर भर्ती है, आप राहुल के भाई हैं। मेरा राहुल। इन लोग ने मुखिया प्रतिनिधि पे गोली नहीं चलाई? कोई गोली नहीं चलाया था। अच्छा, कैसे घटना थोड़ा आप भी बताइए। घटना ये हुआ था कि ये लोग खेत में काम करने गए थे, अमितेश सिंह, राहुल सिंह और आलोक सिंह। तो खेत में काम करने के बाद ये लोग बोले कि शाम को हम लोग पार्टी वार्टी करेंगे, जिसके लिए आलोक सिंह बोला कि हम मुर्गा के लिए बात करने जा रहे हैं। वो जब गए वहाँ से बात करने के लिए, मुखिया जी करके दो बार बुलाया, वहाँ बोले कि बोलो क्या काम है। ये बोला कि हम लोग को मुर्गा लेना है, एक वजन कर दो। तो बोला कि ठीक है, तुम लोग कितने लोग हो? तो बोला कि अकेले आए हो? तो बोला नहीं, हमारे साथ दो लोग और हैं। तो बोला कि एक सामान उठाना है, वो सबको भी लेकर आ जाओ। ये बोला कि चलिए हम ही उठा देते हैं। तो बोला कि नहीं, भारी है, अकेले नहीं होगा, उन लोग को भी लेकर आओ। जब उसके बाद इसको बैठा दिया, सब वही लोग गया, वो दोनों को भी बुला कर लाया। जब तीनों आया लोग, उसके बाद तीनों को बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद एक दो फायरिंग भी किया, उसके बाद सारे लोग को कॉल करके बुलाया। अब बुलाने के बाद ये सबको बंद करके बहुत सारा पीटा। पीटने के बाद वहाँ पे पुलिस वाले भी आए। पुलिस वाले आने के बाद इन लोगों से नाम पूछे, और नाम पूछने के बाद वहीं पे बैठ गए। उसके बाद मुखिया का बड़ा भाई आया और रॉड और हथौड़ा से इन लोगों को मारने लगा। पुलिस वाले बैठ के देख रहे थे। इस मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी अब तक हुई है? जी, मुखिया के भाई का की गिरफ्तारी हुई है। तो
देखिए जो घटना हुई है उसके बारे में जो पीड़ित के परिजन हमसे बात करते, दरअसल छपरा के माझा थाना क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि मुर्गी फार्म में तीन युवकों की बेरहमी से पिटाई कुछ लोग कर रहे हैं। जो तीन लोगों की पिटाई हुई है उनका नाम अमितेश है, राहुल है और आलोक है। तो अमितेश की मौत हो गई है, राहुल और आलोक को पटना किसी रूबन हॉस्पिटल में रेफर किया गया है, वेंटिलेटर पे है, उनकी हालत जो है बहुत नाजुक बताई जा रही है। आरोप ये लगाया जा रहा था कि ये तीनों युवक जो है जिसमें से एक की मौत हो गई, कुल तीनों ने मुखिया प्रतिनिधि पर फायरिंग किया था और बदले में मुखिया जो है प्रतिनिधि जो है बदला लेने के फिराक में था, इसलिए तीनों की पिटाई जो है कराई गई। लेकिन परिजन जो है साफ तौर से कह रहे हैं कि हमारे जो भाई लोग उन्होंने कोई फायरिंग नहीं की है मुखिया प्रतिनिधि पर। सो ये तीनों खेत में पटवन का काम कर रहे थे, शाम को पार्टी का प्लान था, तो ये लोग मुर्गा फार्म में गए थे मुर्गा खरीदने, ऐसा इनके परिजन बता रहे हैं। तो जो मुर्गा फार्म जो है शायद मुखिया प्रतिनिधि का ही मुर्गा फार्म है इनका कहना है, तो वही खेत के बगल में ही मुखिया प्रतिनिधि का ये मुर्गा फार्म है। तो एक व्यक्ति वहां गया था मुर्गा खरीदने के लिए, तो शायद मालिक ने तो कहा जो मुर्गा फार्म हाउस का है कि आप अपने और लोगों को बुलाओ कुछ काम कराना। जब वो अपने दोनों दोस्तों को बुलाया तो तीनों एक साथ थे, तो उन पर हमला किया गया और उनकी उन लोगों को बंद कमरे में बंद किया गया, फिर उन लोगों की पिटाई की गई जिसमें से एक की मौत हो गई है। ये परिजन साफ तौर से कह रहे हैं जो पीड़ित के परिजन है कि इधर से किसी ने फायरिंग नहीं की, उल्टा उन्हीं लोगों ने हवाई फायरिंग की है पीटने के बाद। तो ये पूरा मामला जो है जो पीड़ित पक्ष है उसका उस पर यह कहना है, लेकिन सच क्या है ये पुलिस जांच में सामने आएगा। फिलहाल इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना।